रामनवमी के मौके पर देश भर में ढेरों कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में आइए आपको ले चलते हैं एक बेहद खास कार्यक्रम में, जहां पर लेजेंडरी आर्टिस्ट शोभना नारायण राम स्तुति में लीन नजर आई। किस तरह से राम आगमन के प्रसंग को अपने नृत्य के जरिए उन्होंने मंच पर प्रस्तुत किया, आपको दिखाते हैं। नृत्य प्राचीन शैली है और हमारी अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर भी है। ये एक जन्मजात प्रतिभा है जो हमारी परंपराओं से जोड़कर रखने में सहायक होती है। एक कलाकार अपनी अभिव्यक्ति और विचार अपनी कला के माध्यम से ही व्यक्त करता है। पद्मश्री शोभना नारायण एक ऐसी ही प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना हैं, जिनकी प्रस्तुति देख दर्शक मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। शोभना नारायण ने अपनी शानदार प्रस्तुति से सभी को अपनी ओर आकर्षित किया। ये कार्यक्रम आयोजित हुआ दिल्ली के कमानी सभागार में। माँ कहते हैं कि पश्चाताप की, जनक नंदिनी सीता की प्रतीक्षा व त्याग की, अहंकारी रावण। इस कार्यक्रम में शोभना नारायण ने नवरात्रि और रामनवमी के शुभ अवसर पर अपने प्रदर्शन समूह असावरी के 19 सदस्यों के साथ राम आगमन नामक एक विशेष प्रस्तुति दी। वह बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारे जितने पर्व हैं वो जोड़ने का काम करते हैं और वो किसी न किसी तरह से हम बताते कि हम एक हैं। हम अलग अलग प्रांतों से आते हैं, अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं, लेकिन हम फिर भी एक हैं। और वही एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति, वही हमारी वही सच्चाई है कि हम एक हैं, एक सूत्र में बंधे हुए। सहना भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्य करवावहै। भारतीय फिल्म, मंच और टेलीविजन अभिनेत्री, कथक और मणिपुरी नृत्य की प्रशिक्षित नर्तकी जयश्री अरोड़ा भी इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए उपस्थित थी। हमारी परंपरा, हमारे वेद उपनिषद, हमारे जितने भी कल्चरल एक्टिविटीज जो हुए हैं सदियों से, वो उनको बताने वाला कोई है नहीं। तो अगर ऐसे कार्यक्रम वो शुरू से देखेंगे तो एक जो गर्व होता है ना, जब तक तुम गौरवान्वित हो रही हो, हम तो है ही। तो इस तरह से करने से बच्चों में वो जो एक एकता का जो समन्वय होगा, बहुत ज़रूरी है। कला हमेशा इतिहास को संरक्षित करने, युगों से विभिन्न विचारों और परिदृश्यों को प्रस्तुत करने का एक रचनात्मक तरीका रही है और नृत्य कला ने तो समाज में परिवर्तन का अग्रदूत बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस प्रकार के कार्यक्रम युवाओं को अपनी ओर खींचते हैं और उन्हें आधुनिकता के साथ साथ अपनी परंपराओं और अपनी जड़ों से जुड़े रहने का संदेश देते हैं। जितने भी हमारे सांस्कृतिक उत्सव होते हैं तो युवाओं का बहुत बढ़ चढ़ के उसमें पार्टिसिपेशन दिखाई देता है हमें। इसके अलावा जो गीत संगीत के जो विद्यालय हैं उनमें भी जिस तरीके से कंपटीशन बढ़ रहा है, लोग चाहते हैं कि वो अपने कल्चर को सीखें। कला कोई भी हो, कहते हैं कलाकार रहे या ना रहे, लेकिन कला अमर होती है।
जब तक समाज का अस्तित्व है, कला भी अपनी प्रतिभा के साथ निरंतर आगे बढ़ती रहेगी। कला और समाज का वही संबंध है जो फूल और खुशबू का है, यानी कला बिना शब्दों से ही सभी को प्रभावित करती है। भारत विभिन्नता में एकता का प्रतीक है, और खास बात यह है हमारे सारे ही त्यौहार हमें एक दूसरे से जोड़ने का काम करते हैं। चाहे हम नवरात्रि की बात करें या किसी और त्यौहार की बात करें, सारे त्यौहार सभी लोगों को एक दूसरे के करीब कर देते हैं और अपनी संस्कृति से भी रूबरू कराते हैं।